हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये अपना भाई, ये तुम्हारा भाई। भाई भाई, आज हम जा रहे हैं सीधा ऊपर कर। हाँ, घुटन हो गई भाई। ये पहचान रहे इसको? ये वो है, एक मुसाफिर मुना कोटिवा। अच्छा, मैंने तो सीधा ऊपर करा है। आज ना हम निकालने जा रहे हैं यूट्यूब पेमेंट। क्यों यूट्यूब पेमेंट है? आप लोगों ने बहुत प्यार दे रखा है, तभी तो पेमेंट आ गई ना। यही सोच रहे होगी, कहाँ दिया है प्यार, दो तब आएगी पेमेंट। तो हम वड्डा जा रहे हैं, वड्डा जा रहे हैं ना। गोलगप्पे खाने वड्डा ही जा रहे हैं। वड्डा जा रहे हैं ना, तो वड्डा जा रहे हैं। और ये थोड़ा निकाल ले कैसे, देखते हैं जरा ना कैसे सीन करके। तो चलते हैं डाडुओ, मिलते हैं डाडुओ, मतलब वड्डा वड्डा। और पिछला एपिसोड कैसा लगा वो बताना यार। एक आर्मी वाला डाल रखा था ना, और एक आमा वाला, वो बताना कैसा लगता है लगा। तेरे को छेरवा? अभी आम वाला दूसरा एपिसोड भी ला सकता हूँ मैं। तो चलते हैं यार, फिर मिलते हैं। वड्डा को हम गए तो सही, लेकिन वहाँ एटीएम में इतनी भीड़ थी ना, हमने कहा चलो अभी नहीं यार, शाम को जाएंगे, पैसा निकालना है थोड़ा, पैसा मनी मनी। और फिर हम रामलीला के यहाँ से गोलगप्पे खा लिया, जो कि बहुत आनंददायक था। रामलीला के यहाँ से नहीं खाया यार, कहीं और से खाए। नहीं बताएंगे हम, क्यों बताएं, नहीं बताएंगे। हम प्रमोशन नहीं करना चाहते किसी का। हाँ, हम प्रमोशन नहीं करना चाहते किसी पैसा का। नहीं दिया ना पैसा देंगे। हाँ, प्रमोशन का पैसा होता है तब। मजाक कर रहा हूँ यार, अपनी जनता के लिए सब चीज अरे हो जाएगी। तो ये घर जा रहा है, फिर शाम को जाएंगे जो भी होगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज की ब्लॉग, मिलते हैं आगे। लेट्स गो, बाय बाय। ये देखो ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, लव मैरिज के फायदे सिर्फ लड़कियों के लिए। मेरी भी लव मैरिज नहीं है, उसकी भी नहीं है, इसी की भी है। ये वो इंसान है जो शादी से पहले का अपना कच्चा नहीं धोता था। अभी भी कौन सा धोते हो? अभी भी नहीं धोता है। आहा, क्या जोड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय। तू ना चुप रह, चुप रह, कुछ मत बोल, बोल ही मत। ये देखो, तो सभी लड़कियों को सूचित कर दिया जाए, लव मैरिज कर लो। देख रहे हो भाभी कैसा लग रहा है, मतलब आपको क्या फील हो रहा है अभी शादी करके? लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज कुछ? नहीं, लव मैरिज करनी चाहिए, कम से कम पता तो रहता है कैसा हाथ पड़ने वाला है। अरेंज में भरोसा नहीं आ, क्यों? बिल्कुल भी एक बार कमेंट करो यार, लव मैरिज वाले और अरेंज मैरिज वाले भी हैं कोई कुछ आवाज है अरेंज मैरिज है व्यूअर्स में। हां, वो लव को अरेंज करा था, मतलब ऐसा अरेंज को लव में बदला था करते, अरेंज को लव में बदला था, लव को अरेंज में बदला था भाई। इतना तो हमको भी पता है, चाहे हम नन्हे नादान बच्चे थे उस टाइम पे। अभी आवाजी मतलब 50 है दादा, रियल जूस। और ये सिर चूरन खिला रहे है, और यहाँ पे वो वाला भजन गा रहे हम, दिल का दरिया बह ही गया वाला, प्लस अपने साथ दीदी बह लो, सिर चूरन खा लो। चल दादा शुरू कर वाला। दिल का दरिया फट गया, स्पीकर फट गया। चलो भाभी बचाओ, एक वाला भजन तो गाओ। वैसे मत बना रहे, मैं खाली ट्राई कर। टोम पर रोम पोम। भाभी ने गिटार क्लास सीखी है हमारी, 6 महीने, 40 साल, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स। आओ संपर्क करो। ये देखो अभी एक बार बताओ ना। अरे नहीं आता रे मेरे को, नहीं आता, नहीं आता ही नहीं है। मजा रहेगी ब्लॉग में, आजकल डेली डेली, एक महीना हो गया डेली ब्लॉग, मतलब एक महीना हो गया ना, मस्त। तो देखते रहो, कुछ मत करो, देखते रहो, एकदम फुल शेयर वेयर करो पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश में जाना चाहिए चौड़ से, बिना किसी दिक्कत के। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद कैडबरी वालों का, कैडबरी डेयरी मिल्क, आपने देश का नाम बहुत ऊंचा कर रखा है, बना के धन्यवाद दिल से। ड्राई नट्स, डेयरी मिल्क खाओ, खुश हो जाओ, बाकी कोई भी चॉकलेट डंकी नहीं होगी। और ये प्रमोशन नहीं कर रहा मैं डेयरी मिल्क का, खाली बता रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मल टाइम पास। भाई को नोबेल प्राइज, चलो चलो चलो, सरकार द्वारा, सरकार को आने का, ये सरकार। अभी दादा की सिस्टर इन लॉ नहीं है ना, सगी वाली,
कोई बनना चाहती है तो संपर्क करो। सिंगर है सिंगर सिंगल थोड़ा स्मार्ट है भाई। बढ़िया, दिन में हुई काफी मस्ती, अब हो चुकी है शाम और मैं उठ गया हूँ एक नींद लेके, क्योंकि दिन में नींद लेना आजकल आदत हो गई है डेली की। और अब बन रहा है होली है ना, तो हैप्पी होली, यहाँ गुजिया बन रही है, ये चेक करो कौन बना रहे, देखो सैफ रियल हैप्पी होली। और भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली। और इधर बड़ी मम्मी बैठी है, बड़ी मम्मी मतलब इन सभी बच्चों को सिखा रही है, इनको आता नहीं है। एक मैं बुड्ढा हूँ, ये कौन है तू? अच्छा दीक्षु है तू, और ये दीदी, और ये बुआरी। बावरी नहीं, बुआरी अलग होता है बाबू, पहाड़ में ना बुआरी मतलब बहु होता है बहू, और ये बड़ी मम्मी की बुआरी है ये। और भाभी ससुराल में पहली बार गुजिया बना रहे ना, पहली होली है ना, कल आपका भूत बनाते हैं, रुको। बड़े मम्मी सपोर्ट करेगी, और देखो काफी मस्त मस्त गुजिया बन रहे हैं भाई, एक बार बताओ तो कैसे बनते हैं ये। सबसे पहले हमने लिया एक, ओ भाई सबसे पहले मैदे का आटा लिया, उसको गूथा वो देखो, फिर उसको बेला रोटी जैसा बनाया, और इसके आगे दिखाता हूँ चपाती बनाएंगे इसमें, देखो ये बन रहा है। और ये ये सूजी, इसके बारे में बड़ी मम्मी बताइए, अब बता। सबसे पहले सूजी को भूना, और उसके बाद उसमें चीनी मिक्सर करके डाला, और काजू किशमिश छुआरा बादाम जितने भी आइटम हुए वो सब डाला उसमें, ड्राई फ्रूट्स। और फिर उसके बाद उसके बाद याली प्रोसेस जो यहाँ पे हो रही है, मैदे का आटा लिया उसको भूना, और फिर भूनने के बाद उसको छोटे छोटे गुलाई बना के, और फिर उसमें मैंने सूजी का जो वो पेस्ट बनाया होता है उसको उसमें डाल के बंद करते हैं। ये चेक करो, भुनी हुई सूजी और इसमें मिलाए सारी ड्राई फ्रूट्स, खोया और नारियल, नारियल भी मिलाए इसमें, और इतनी प्रोसेस होती है, किशमिश भी डाली है, ये सब चीजें। और इसके बाद की प्रोसेस ये रहती है ना, इनको थोड़ी देर ऐसे मतलब सब ये ऐसे करके थोड़ी देर सुखाई हल्के से, और उसके बाद फ्राई कर दिए मस्त। और इन्हीं के साथ साथ दादा ने ना मतलब एक कई बढ़िया सजेशन भी दिया, दादा बोल रहे की इससे हम मोमो भी बना सकते हैं, बात तो सही है यार, मतलब 2 रुपए का समोसा खाना जाता है पहले के जमाने जैसा, तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन वास्तव में मोमो बन सकते हैं यार इसमें, वो देखो मटेरियल जो मोमो का होता है उसको वो मान लो, और इसमें ये सेम कंडीशन बनेगा ऐसा मस्त। ये देखो फाइनली हो चुकी है रात, 12 हो चुका अंधेरा, कच्चे गुजिया तैयार है, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं मटरी बनाने की। ए दीक्षु, ये लोग क्या बना रहे हैं बाबू? हाँ मटारी। ये चेक करो, ये चेक करो, काफी मस्त। और ये तैयार होने के बाद, ये तो तैयार हैं, फिर इनको गरम गरम तेल में तलेंगे, मस्त फ्राई करेंगे, क्रंची बनने वाले हैं, तो वो दिखाएंगे ना मस्त से ब्रो। हेलो गाइस, सभी ये तो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आज क्रंची। मस्त आग हो गई है तैयार, अब इसमें बनेंगे गुजिया और मटरी, गुजिया और मटरी आग में। लकड़ी पकड़ दो बाबू, लकड़ी पकड़ दो वहाँ से। ये चेक करो भाई, फाइनली शुरू हो गए गुजिया बनने, गुजिया बनने। अब बताओ फिर गुजिया के बारे में कुछ, पहाड़ी में एकदम अरे चला हर दिन तो कहे अबले इसको देखो खाइबे रे अचानक का जमाना में मतलब गुजिया क्यों मटरी मटरी गोलगप्पे
गोल गप्पे हैं कि क्या चलो कि क्या न चलो अचालक चला बारिन का दिन कसकरो खाई घर को अभी क्यों हो यो गुजिया चाला का नाम गुजिया। तुम्हारे जमाने में इतना नहीं था क्या कुछ सीन? नहीं तो हमारे जमाने में के लगो हमारे जमाने में खाली लोन शेल पकड़े गए बट्टिया लोन शेल बट्टिया माशा का पूरी रोट इसको खायो मतलब हर त्यौहार में ना जहाँ पर को अभी चूल्हा लगा यहीं पर को चूल्हा लगता है और बनते हैं आजकल भी मांस की पूरी लेकिन होली में होली का जो फल होता है ना फल बोल रहा हूँ पकवान जो होते हैं होली का जो होता है वो होता है गुजिया तो अभी गुजिया बन रहे हैं तो आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में वो भी दिखाएंगे क्या मांस की पूरी सिंपल पूरी लॉन सेल और जो जो भी होते हैं वो सब चीजें बस आप बने रहो हमारे साथ। ये देखो गुजिया मटरी पापड़ और क्या कहते हैं चिप्स ना ये सब चीजें बनती हैं। और बड़ी मम्मी अभी गुजिया बना रही है बाकी मटरी वटरी अभी अंदर से दीदियां भाभी को ही लेके आएंगे वो भी दिखाएंगे मस्त से। ये चेक करो भाई मतलब बाहर से जितने लोग व्लॉगिंग करते हैं ना वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब के लिए उनके लिए एक प्लस पॉइंट सबसे बढ़िया ये रहता है ना प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो पहाड़ में रहते हैं मतलब पहाड़ की चीजें दिखाते हैं क्योंकि प्लेन साइड और बाहर साइड जो लोग रहते हैं ना वो ज्यादा यही देखना पसंद करते हैं कि यार पहाड़ में क्या होती है पहाड़ की जिंदगी क्या है और कैसे बनाते हैं उत्तराखंड के बाहर से भी अगर कोई देख रहे हैं तो गुजिया की रेसिपी बता देता हूँ पहले भी बता दी है। मैदा लेना है सिंपली और उसमें डाल देना है अंदर से हलवा बनाने के लिए जैसे वो सूजी भूनते हैं ना हलवे के लिए वैसे सूजी भूनी और मैदे के आटे के अंदर कैसे भी डाल दो और तेल में तल दो वही गुजिया कहलाती है पता ही होगा सबको बनती तो स्वाद अनुसार जो भी डालना चाहिए चाहे काजू डालो बादाम डालो नारियल डालो कुछ भी डालो अपने स्वाद के लिए टूट भी गया टूट गया ये देख लिया भाई और चला गैस चुलामा पकुंची हमने तो यू आगे पकायो आगे स्वादिष्ट हुए भी जड़ी बूटी लकड़ी में राख में स्वाद ले चला बारिन कहाँ समझन चिंतो सो तो टीप टॉप वाल भैया किचन में स्टैंडर्ड हूं चाहो एकदम गैस चुला और कली वरे ऐसे तो कौन बना पाएगा आजकल मुश्किल हुआ। हाँ मोसा मतलब ये होता है ना जैसे आग जली है जो बर्तन में काला काला लगता है ना उसको मोसा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। और ये देखो गुजिया मस्त बन के यहाँ तैयार भी हो गई है वाह क्या मस्त लग रही खा लो गाइस खा लो। गुजिया सारे बन के हो गए हैं पैक ये बन गए पापड़ और दीदी गई हुई है मटरी लेने अंदर तो दीदी आती है और इसमें मटरी मस्त बनाते हैं भाई मटरी कैसे बनती है ना वो दीदी से पूछ के बताएंगे मटरी कैसे बनती है मटरी की रेसिपी आपको भी बनानी है तो मस्त बनाओ और खाओ फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करके ये आ गई दीदी मटरी लेके ओहो ये देख सकते हो और दीदी वो तो कोई बात नहीं कैसे बनती है वो बता इसको मैदे में डालते हैं नमक काली मिर्च अजवाइन हल्दी और जीरा धनिया उसके बाद इसे गूंथते हैं मस्त आटे की तरह गूंथते हैं फिर जैसे पराठे बनाते हैं वैसे इसको बेला डबल लेयर करके बेलते हैं इसको उसके बाद चाकू से काटा और हल्का धोकर सुखा दिया मतलब जैसी इच्छा हो वैसी शेप दे दी चाकू से काट के और मस्त ये देखो यहाँ पे मटरी तैयार है एकदम नमकीन होगी यार ये नमकीन आय हाय संपर्क करें इसका स्वाद ना बहुत बेस्ट है। गुजिया तो देख ली कैसे बनते हैं अभी ये चेक कराते हैं तेल गरम होने देते हैं फिर सब अलग अलग हो जाएंगे ना ये चेक करो ये फाइनली मटरी तैयार हो गई है भाई काफी मस्त और काफी स्वादिष्ट वो चेक करो मतलब दो मेरे को भी दे दो भाई साहब
काफी क्रंची और काफी मस्त हो गया। थोड़ा रिव्यू दो दे मटर के बारे में। रिव्यू दो। अरे कल मैंने बेइज्जती करी दादा की, पता नहीं कब मैंने करी। पहले कर दिया था यार, दादा सोच रहा था रिकॉर्डिंग होने, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, इसलिए सॉरी। लेकिन दादा मनी मन बोल रहे बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया खा के। मैं इसका माइंड रीड कर सकता हूँ, बचपन से शक्ति मिली है मेरे को ऐसी। और इन्हीं सभी के साथ आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, और ये अपनी हिमाचल वाली भाभी, भाभी बाय बाय, हिमाचल वाली भाभी बाय।